वेलकम टू अपनी कक्षा। आई एम आशिता और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का एक और चैप्टर जिसका नाम है द इंटरव्यू। इस चैप्टर के ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और इस चैप्टर को आपके कोर्स में इसी साल इंक्लूड किया है। थैंक्स टू दिस चैप्टर आपकी नॉवल इस साल एलिमिनेट हो गई है। तो यार जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड करा हुआ है। जो पहला पार्ट है वो डील करता है डिफरेंट फंक्शंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू से। इस फर्स्ट पार्ट में हमको कुछ ऐसे नॉवलिस्ट और ऑथर्स के भी व्यूज मिलते हैं ऑन इंटरव्यूज। और जो सेकंड पार्ट है वो एक एक्चुअल इंटरव्यू है बिटवीन उम्बेर्तो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू के एडिटर हैं। तो यार जिस इंसान का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं द इंटरव्यूई, जो इस केस में है उम्बेर्तो इको। और जो इंसान इंटरव्यू ले रहा होता है उसको हम बोलते हैं द इंटरव्यूअर, जो कि इस केस में है मुकुंद पद्मनाभन। तो यार क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है हम ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे और हम सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करेंगे जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस इन दी एग्जाम। जिन नॉवेलिस्ट के व्यूज़ हमको बताए गए हैं ऑन इंटरव्यूज़ उनके नाम हैं V.S. नायपॉल, लुईस कैरल, सॉल बेलो, रुडयार्ड किपलिंग और H.G. वेल्स। यार ये व्यूज़ जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मेनी अ टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डायरेक्टली वो आपको ऑथर या नॉवेलिस्ट का नाम देकर उनका व्यू ऑन इंटरव्यू पूछ लें। सबसे पहले हम बात करते हैं V.S. नायपॉल की। V.S. नायपॉल एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट हैं जिनका एक नेगेटिव व्यू है अबाउट इंटरव्यूज। अकॉर्डिंग टू हिम द इंटरव्यूई लूजेस अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ एंड इज वाउंडेड आफ्टर द इंटरव्यू। इसका मतलब है एक इंटरव्यू के बाद एक इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ का एक पार्ट लूज कर देता है टू द इंटरव्यू। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यार जो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकते हैं एंड इट फील्स लाइक एन इंट्रूजन ऑफ आर प्राइवेट स्पेस। तो यार हमारे सेकेंड नॉवेलिस्ट है लुईस कैरल। He is the author of the famous classic Alice in the Wonderland. So yeah, according to him, he is just horrified of the interviewer. इनको किसी भी interviewer से बहुत ज़्यादा डर लगता है because इन्हें लगता है कि वो उनके interview में उनको इतना glorify कर देगा कि वो एक celebrity की तरह दिखाई देंगे और उसके बाद ज़्यादा interviewers उनको follow करेंगे for interviews जिससे वो अपनी private space lose कर देंगे। हमारे next author है Saul Bellow. According to him, एक इंटरव्यू ऐसे फील करता है जैसे कि आपकी विंड पाइप पे किसी ने थंब प्रिंट रख दिया हो। तो यार इमेजिन कर लो कि ये एक विंड पाइप है, अगर मैं इसके एक एंड पे अपना थंब रख दूंगी तो दैट विल ब्लॉक द पाइप जिससे इंसान सांस नहीं ले पाएगा। यही सेम चोकिंग फीलिंग आती है सॉल बेलो को आफ्टर एवरी इंटरव्यू दैट ही गिव्स। तो यार हमारे नेक्स्ट ऑथर है रडयार्ड किपलिंग। हम इन्हें जानते हैं एज द क्रिएटर ऑफ द फेमस जंगल बुक। तो यार किपलिंग भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइट में व्यू करते हैं इंटरव्यूज़ को, उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। उनकी वाइफ कैरोलिन हमें बताती हैं कि कैसे वो एक डायरी मेंटेन करती हैं जिसमें वो सारे एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करती हैं और कैसे एक बार बिकॉज ऑफ सम इंटरव्यूअर्स किपलिंग का पूरा एक दिन खराब हो गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस ऑथर को हम डिस्कस करेंगे उनका नाम है H.G. वेल्स। थैंकफुली अब इनका सामना आपको नहीं करना पड़ता इन स्टैंडर्ड 12 बिकॉज इनकी नॉवल द इनविजिबल मैन आपके कोर्स से हट चुकी है। H.G. वेल्स हमें बताते हैं हाउ ही कॉल्स द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूइंग ऑर्डील एंड हाउ ही थिंक्स नेगेटिवली ऑफ इट बिकॉज एक बहुत ज़्यादा इंट्रूजन होता है किसी की भी लाइफ में थ्रू एन इंटरव्यू। ही ऑल्सो शेयर्स विद अस कि कैसे उनको एक इंटरव्यूई से एक इंटरव्यूअर बनने में पूरे 40 साल लग गए। तो यार यहाँ हमने देखे कुछ व्यूज़ ऑफ डिफरेंट नॉवेलिस्ट। एक सिमिलैरिटी ये थी कि सबके व्यूज़ नेगेटिव थे अबाउट इंटरव्यूज़। जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं वैसे ही एक चीज़ के सिर्फ नेगेटिव्स नहीं हो सकते, इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जैसे कि इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड, वी गेट टू नो आर आइडल्स। यार हम जिन लोगों को आइडलाइज करते हैं, जिनको अपना मेंटोर मानते हैं, उनकी लाइफ से जो हमें इंस्पिरेशन मिलती है वो हमें इसी मीडियम से मिलती है। हम उनकी लाइफ के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो अपने इंटरव्यूज़ के थ्रू हमें बताते हैं। तो यार थर्डली इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि हमने वो किसी ना किसी इंटरव्यू में सुने हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू इंटरव्यूज़। लास्टली यार इंटरव्यूज़ आर एन अमेजिंग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। हम बहुत सारे बॉलीवुड इंटरव्यूज़ जो देखते हैं वो इसी पर्पज़ से देखते हैं। तो
तो यार इसी के साथ हम चलते हैं अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, जहां हम देखेंगे एक एक्चुअल इंटरव्यू बिटवीन उम्बेर्तो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन। तो यार ये इंटरव्यू काफी ज्यादा लंबा है, तो मैं आपको इसको एक ब्रीफ में समझा दूंगी और सिर्फ उन पार्ट्स पे फोकस करूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो यार इंटरव्यू के शुरुआत में मुकुंद उम्बेर्तो से पूछते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट हैं, पर वो अपने दिन में से इनफ टाइम कहाँ ला पाते हैं अपनी नई नॉवल्स लिखने का। इस बात के जवाब में उम्बेर्तो उन्हें कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस को यूज़ करते हैं। अब यार ये एम्प्टी स्पेसेस क्या होती हैं? जैसे हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खाली टाइम होता है, हम हर टाइम कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसी खाली टाइम को वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यार इसी के साथ वो हमें बताते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में टाइम मैनेज करना और उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना। इसी बात के इम्पॉर्टेंस में वो हमें ये भी बताते हैं कि जैसे एक एटम होता है यार, उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है, अगर वो सब निकाल दी जाए सारे एटम्स में से, तो जो हमारी यूनिवर्स का साइज़ है दैट विल रिड्यूस टू द साइज ऑफ आर फिस्ट। तो वो एम्प्टी स्पेसेस इतना ज़्यादा वॉल्यूम होल्ड करती हैं, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इंटरव्यू में आगे चल के उम्बेर्तो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें एक नॉवलिस्ट की नज़र से देखे, बिकॉज अपनी लाइफ के शुरू के काफ़ी साल वो सिर्फ टीचिंग के प्रोफेशन को डिवोट कर चुके हैं। तो उम्बेर्तो को बहुत पसंद है अगर कोई उन्हें एक टीचर या प्रोफेसर की तरह एड्रेस करे, ना कि एक नॉवलिस्ट की तरह। तो यार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू मुकुंद बात करते हैं उम्बेर्तो की सबसे फेमस नॉवल के बारे में, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। ये यार वो नॉवल थी जिन्होंने उम्बेर्तो की लाइफ चेंज कर दी थी और इसी के बाद उन्हें फेम और नेम मिला था। तो मुकुंद इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कैसे ये नॉवल उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट का रोल प्ले करती है। इस नॉवल के सक्सेसफुल होने की वजह जब उम्बेर्तो से पूछी जाती है, तो उसके जवाब में वो हमें बताते हैं कि इस नॉवल की सक्सेस का क्रेडिट वो देना चाहेंगे उसकी पब्लिशिंग टाइमिंग को। अगर वो नॉवल कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम पहले पब्लिश होती, तो शायद वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाती। तो यार इसी के साथ चैप्टर की समरी खत्म होती है। तो यार अब हम आपकी टेक्स्ट बुक देख लेते हैं, जहाँ मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करी हुई हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर, जिसके ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। यहाँ बताया गया यार इंटरव्यू जर्नलिज्म में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल। यहाँ पॉजिटिव्स डिस्कस करे हैं इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट। यहाँ सेलिब्रिटीज़ के जो नेगेटिव व्यूज़ हैं वो शेयर करे गए हैं। ये वो डिफरेंट ऑथर्स और नॉवलिस्ट के व्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो सब मैंने आपके लिए पहले से ही मार्क करे हुए हैं। यार अगर आपने वीडियो में नोटिस करा होगा तो मैंने किपलिंग के आगे आयरोनिकल लिखा था। वो उनका व्यू आयरोनिकल इसलिए है क्योंकि आगे चल के लाइफ में वो मार्क ट्वेन का भी एक इंटरव्यू लेते हैं, तो अगर वो इंटरव्यूज़ देना पसंद नहीं करते तो उन्होंने इंटरव्यू लिया कैसे। तो यार हम जितने भी नेगेटिव डिस्कस कर ले इंटरव्यूज़ के, उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि वो एक बहुत अमेजिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जो एक एक्चुअल इंटरव्यू है बिटवीन उम्बेर्तो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन यार यहाँ पे इंटरव्यूअर हैं और उम्बेर्तो इको इंटरव्यूई। जो उम्बेर्तो इको की फेमस नॉवल है जिसके लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। यहाँ पे यार उनकी फिलॉसफी डिस्कस करी है कि वो क्या बिलीव्स रखते हैं और किन के बेसिस पे वो अपनी नॉवल्स लिखते हैं। यहाँ उन एम्प्टी स्पेसेस का जिक्र हुआ है जो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैसे वो एम्प्टी स्पेसेस का जस्टिफिकेशन लाइफ में देते हैं और कैसे वो उसको एक प्रोडक्टिव यूज़ में डालते हैं। ये वो अपनी लाइफ शेयर करते हैं, उन्होंने नॉवल्स लिखनी कैसे शुरू करी। ये वो पार्ट है यार जब वो ये बताते हैं कि उनको एक नॉवलिस्ट कोई बुलाए तो वो बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल टीचिंग के प्रोफेशन को डिवोट करे हुए हैं। तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहाँ वो उस पर्टिकुलर नॉवल को डिस्कस करते हैं, नेम ऑफ द रोज। तो यार चैप्टर के एंड में वो डिस्कस करते हैं कि उनकी बुक का जो सक्सेस है वो उसकी पब्लिशिंग टाइम की वजह से है। तो यार ये आपकी टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आपकी टेक्स्ट बुक भी कवर हो गई है, नीचे नोट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आई एम श्योर आपका चैप्टर अब कंप्लीट है और अब आपको टेक्स्ट बुक खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।